अनदर थिंग शुभम, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी इज दैट आज आज के जमाने में यू नो सब कुछ अवेलेबल है, डिक्शनरी है, बुक्स है, बच्चे एज यू टोल्ड की इंग्लिश मीडियम में भी जा ही रहे, सो यू नो एवरीथिंग इज एनीवे देयर, देन व्हाट इज द नीड ऑफ यू नो अगेन आई वी गॉट द आइडिया दैट देयर इज अ स्ट्रक्चर, देयर इज अ मेंटरिंग, बट स्टिल आई वुड से फॉर लॉट ऑफ पीपल जो अभी इस वक्त देख रहे हैं, मन में क्वेश्चन आता है कि यार बच्चों को हम डिक्शनरी दे सकते हैं वो वर्ड सीखेंगे, बच्चों को हम स्कूल भेज रहे हैं वो वहां पर भी सीख रहे हैं, हम फिर भी क्या ऐसा अलग करेंगे ब्लैक बोर्ड रेडियो में जिससे बच्चों को ज्यादा इम्पैक्ट महसूस होगा इस लैंग्वेज को लेकर? बिल्कुल, सो केपिच एक चीज आपने सही बोली कि आजकल रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, डिक्शनरी है, एप्स हैं बहुत सारी और भी चीजें हैं, बट अच्छी चीजें ये अवेलेबल हैं, बट कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं कि पेरेंट को और बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए। हो क्या गया है कि बेसिकली उस कोई 10 लोग होते हैं, कोई बोलते हैं आपको डेली 5 वर्ड सीखने चाहिए, कोई बोलता है डेली 10 वर्ड सीखने चाहिए, आपको स्टोरी भी पढ़नी चाहिए, आपको ये भी करना चाहिए, और बच्चा उन सबको करने के चक्कर में बर्न आउट हो जाता है। ब्लैक बोर्ड रीड ऑर्गेनाइजेशन की मैं इस सेम चीज से गुजरा हुआ हूँ, मुझे 100 जगह से एडवाइस मिली है। हमने बेसिकली हम अपने आप को एक प्रोग्राम की तरफ बोलते हैं, ऐप एक जरिया है बेसिकली, बट हम बोलते हैं कि आपको 10 मिनट या 15 मिनट की डेली प्रैक्टिस चाहिए। आप एक घंटा कर सकते होगे, बट एक घंटा मत कीजिए बिकॉज बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाएगा। आप अगर 2 हफ्ते बाद उसको नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास बच्चे की लाइफ में और भी जरूरी चीजें हैं जो उसको करनी है। तो हमने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम तैयार किया हुआ है बच्चे को ध्यान में रखते हुए कि 10 मिनट उन्हें ये नहीं सोचना कि क्या करना है, उनको बताया जा रहा है क्या करना है और वही करना है। तो ये चीज हमारी एक यूनिक है कि हम डेली करवाने पे फोकस करते हैं प्रैक्टिस और एक लिमिटेड टाइम के अंदर, ताकि बच्चे को ये ना सोचना पड़े कि क्या मैं आज वर्ड सीखने मुझे चाहिए, क्या मुझे आज ग्रामर सीखनी चाहिए, क्या मुझे आज इस चीज टेंस पे बोलना चाहिए, राइट। और बाकी तो जो भी आपने रिसोर्सेज बोले वो हमने बच्चे के लिए इकट्ठा करके उसमें से जो जरूरत की चीजें हैं वो रखी हैं, जो जरूरत की चीजें नहीं है वो हटा दी हैं, ताकि बच्चा मोटिवेटेड रहे। 10 मिनट से 15 मिनट भी रिसर्च करके हम टाइम लेके आए हैं, क्योंकि दैट्स द बेस्ट टाइम जहां पे फायदा भी होता है और बच्चे का बर्नआउट नहीं होता, बच्चा आपका आदत धीरे धीरे बनती रहती है, राइट। वर्ड्स के अंदर भी, डिक्शनरी के अंदर एक आप मोटा सा डिक्शनरी उठाएंगे ऑक्सफर्ड का, उसके अंदर कम से कम 25,000 वर्ड्स होते हैं, राइट। अब बच्चे को आपने डिक्शनरी ला के दे दी, आप मुझे बताइए आप ये कैसे चूज करेंगे कि कौन से वर्ड्स बच्चे को पहले सीखने चाहिए और कौन से वर्ड्स बाद में सीखने चाहिए, राइट। और उसके लिए रेलेवेंट, क्योंकि डिक्शनरी में तो सारे के सारे वर्ड्स हैं, तो रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसा कि मैं आपने बोला। उसमें अगर बच्चा, जो बच्चा उनको यूज करके थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा है वर्सेज जो बच्चा बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहा, थोड़ी प्रैक्टिस करने वाला बच्चा अच्छा जाएगा, बट अगर वो प्रैक्टिस स्ट्रक्चर नहीं है जो कि हम उसे प्रोवाइड करवाते हैं, जितना फायदा उसका हो सकता है वो नहीं हो पाएगा, जिस पोटेंशियल पे उसको पहुंच सकता है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारा काम यही है कि हम उसे डेली मोटिवेटेड रखते हैं, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि वो धीरे 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 ग्रो करे एंड उस स्टेज पे पहुंच जाए कॉन्फिडेंट स्पीकर पे जो बच्चा चाहता है और हम चाहते हैं। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत सही लगा, आप बहुत सही बोला आपने कि यू माइट हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। और मुझे एक और चीज जो शुभम लगती है कि आजकल रिसोर्स इतने ज्यादा है, इतने एक्सट्रीम ज्यादा है, मतलब आप अगर देखो तो आप ऑनलाइन भी रिसोर्सेज है, यहाँ पर रिसोर्सेज है, बुक्स पेरेंट्स एक साथ इतने सारे ले आते हैं, बच्चा बुक्स को देखकर ही इरिटेट हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट दे आर स्टार्टिंग देयर ओन थिंग्स, देन नाउडेज मोबाइल इज ऑन इट्स ओन डिस्ट्रैक्शन, आउट ऑफ दैट इफ यू से दैट अच्छा अभी आप बुक पढ़कर लो, चलो अभी एक घंटा बैठो इंग्लिश पढ़ने के लिए, वो भी बच्चे के पास कोई वैलिड रीजन भी नहीं है वो करने के लिए, बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर उसी की जगह अगर हम 10 मिनट का उनको एक बेस क्रिएट करते हैं जहाँ पर वो एंजॉय भी कर रहे हैं उस चीज को करने में, आई थिंक देन वो सजा नहीं लगेगी उनको और वो मजा बन जाएगी, और फिर अगर मस्ती आ रही है बच्चों को तो फिर वो मुझे लगता है 10 मिनट तो क्या 10 घंटा भी आराम से कर सकते हैं उस चीज को।